So hey guys, this is Kamil and you're watching Kev Production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम BN Video Editor एप्लीकेशन के अंदर अपनी फोटो से वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपके पास BN Video Editor एप्लीकेशन नहीं है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सीधा चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो BN ऐप ओपन करने के बाद हमें सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर राइट साइड की तरफ फोटो ऑप्शन को चूज कर लेंगे। देन आप ऊपर में ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने फोल्डर से फोटो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं अपने फोल्डर से कुछ फोटोज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने दूसरा पिक्चर भी सिलेक्ट कर लिया, तीसरा और चौथा, इसको भी चूज करते और इसको भी चूज कर लेते। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नीचे कुछ फोटो सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सभी पिक्चर यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आपको जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है इसको आपको डिलीट कर लेना है। ओके, अभी आपको क्या करना है, फोटो का जो टाइम ड्यूरेशन है कम कर लेना है। ठीक है, एक सेकंड कर लेना है, हर फोटो की ड्यूरेशन एक सेकंड की आसपास कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ओके, तो आप देख सकते हो हर एक फोटो का जो टाइम ड्यूरेशन उसको मैंने कम कर लिया और सबका ड्यूरेशन मैंने एक सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा रखा हो। ठीक है, आप भी इस तरीके से हर एक फोटो की टाइम ड्यूरेशन को छोटा कर लीजिएगा, यानी एक सेकंड से कम या फिर एक सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली हमें इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एफएक्स को अपनी फोटो पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो किस तरीके से अप्लाई करना है, एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो पर जैसे कि आप देख सकते हो एफएक्स अप्लाई हो चुका है। तो ये मैंने एफएक्स अप्लाई कर लिया इस वाली फ़ोटो के अंदर। उसके बाद कर देता हूँ डन। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा पिक्चर है सेम इसी तरीके से हमें इस पर भी एफएक्स ऐड करना है। ठीक है, तो अगेन एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप एफएक्स को ऐड कर लेंगे। बहुत सारे एफएक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो जो भी इफेक्ट्स आपको चाहिए उसको आप चूज करेंगे। तो एफएक्स ऐड करने के बाद एफएक्स को जो है आप स्टार्टिंग पर लेके आ जाइएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा जिस तरीके से मैंने एफएक्स को स्टार्टिंग पर ले आया, तो उसी तरीके से आप भी हर एक फ़ोटो के जो एफएक्स आप ऐड करोगे उसको अपनी फ़ोटो के स्टार्टिंग पर लेके आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाया, तो आप देख सकते हो सभी फ़ोटो के अंदर मैंने एफएक्स ऐड कर लिया और मैं आपको एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ओके, अभी हमें म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टैप टू ऐड म्यूजिक, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमें चूज करना है म्यूजिक को। ठीक है, देन आपको यहाँ पर अपनी डिवाइस के सारी म्यूजिक दिखाई देगा। यहाँ से जो भी म्यूजिक आपको ऐड करना है सिंपली आप चूज के ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूजिक हमारा आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो म्यूजिक के किसी भी पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको नीचे म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप म्यूजिक बीट्स को इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूजिक बीट्स ऐड कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे डन, उसके बाद अगेन कर देंगे डन।
तो हमारे वीडियो पर आप देख सकते हो म्यूजिक भी ऐड हो चुका है, तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा वीडियो बन चुका है। अभी हमें इसे एक्सपोर्ट करना है, तो इस कॉर्नर पे आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। रेजोल्यूशन आप यहाँ से चूज कर लेंगे 4K, उसके बाद इसे कर देंगे डन। तो आप देख सकते हो नीचे जो है हमारा वीडियो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सभी को आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने